दोस्तों, इंडियन सिनेमा की ज्यादातर फिल्मों में आपने हैप्पी एंडिंग ही देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड की तीन ऐसी अमेजिंग मूवीज के बारे में जिसमें इमोशनल एंडिंग हुई है। नंबर 3, 2003 में रिलीज हुई तेरे नाम। फिल्म के लीड रोल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बात करें इमोशनल एंडिंग की तो फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि राधे का लव यानी निर्जरा सुसाइड कर लेती है और राधे वापस पागलखाने वाले आश्रम चला जाता है जहां उसका इलाज चल रहा था। नंबर 2, 2016 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम। फिल्म में लीड रोल के तौर पर साउथ के एक्टर हर्षवर्धन और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन थी। आपको बता दूं ये फिल्म दोनों ही एक्टर्स की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। क्रिटिक्स की माने तो ये एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है। फिल्म की एंडिंग होती है सरू यानी एक्ट्रेस की डेथ के साथ। इस फिल्म की एंडिंग ही नहीं और भी कई सीन हैं जो आपको इमोशनल कर देते हैं। नंबर 1, 1999 में रिलीज हुई वास्तव मूवी। ये फिल्म संजय दत्त की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। फिल्म में संजय दत्त का रोल एक कॉमन मैन का होता है जो कि बाद में चलकर एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। फिल्म की एंडिंग होती है एक दर्दनाक सीन से जब मूवी में संजय दत्त की माँ उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर उसको गोली मार देती है।